मध्य प्रदेश को कोरोना के काल से बाहर निकालकर उत्तम राज्यों की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए बार बार बंगाल का दौरा करने वाले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इस कोरोना काल की तुलना विश्व से कर डाली है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस समय सहयोग करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये जो आपदा है पूरे विश्व में आई है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। आदरणीय कमलनाथ जी, इसमें राजनीति मत करो, ये प्राकृतिक आपदा है, ये वैश्विक आपदा है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूरे विश्व के अंदर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को भी बताना चाहिए कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने किस प्रकार का सहयोग किया इस कोरोना के काल में। क्या बड़ी बड़ी रैलियां करके लंबी लंबी लाखों की भीड़ जुटा करके आप कोरोना को कम कर रहे थे, कोरोना को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे और इस दौर में क्या आपके नेता चेतुआ बन गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दिए? आपके जो नेता है इक्का दुक्का दिखाई देगा या फिर किसी इवेंट कार्यक्रम में जहां झंडे गाड़ने हो या रिबन काटना हो वहां पर आपके नेता दिखाई दिए, तो क्या वो चेतुआ है, ये भी आप बता दीजिए। इसके साथ ही साथ विश्व से आप तुलना कर रहे हैं तो विश्व ने क्या क्या किया है, क्या आप उसके बराबर कार्य कर पा रहे हैं, ये भी बता दीजिए। अमेरिका, जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने इस कोरोना की लड़ाई में किस तरीके से सफलता पाई है, क्या आप उस तरीके से सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं? अगर विश्व से तुलना अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं तो यहां पर भी आप विश्व से तुलना कीजिए कि आपने कितने वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाई, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई, कितने अस्पताल की आपने व्यवस्था करवाई। इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना का जो स्थायी इलाज है वो वैक्सीन ही है, ये जितने भी लॉकडाउन और जो कर्फ्यू लग रहे हैं तो तात्कालिक है। जरा सुनिए, हम लॉकडाउन करें या कंटेनमेंट एरिया बनाएं, कर्फ्यू लगाएं, ये तात्कालिक है, क्षणिक है, फर्स्ट एड है, चैन तोड़ना है उसकी, लेकिन स्थायी इलाज कोरोना का वैक्सीन है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को बताना चाहिए, जब सब कुछ पता है स्थायी इलाज वैक्सीन है तो कहां लगे हुए हैं आपके नेता, आपकी पार्टी के आलू बड़ा खा रही है, बेड़े ही खा रही है, इतने समय में क्या आप वैक्सीन की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों को लगवा नहीं पा रहे हैं और आपकी पार्टी किस तरीके से लोगों को काला बाजारी से बचा रही है? महंगाई जनता झेल रही है, रेमडेसिविर का इंजेक्शन 20-30 हजार में जनता ले रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, तो आखिर कर क्या रही है पार्टी, क्या भजन कीर्तन, उससे भी लाभ मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में जो और भी समस्याएं हैं उनकी अगर बात की जाए तो शायद वीडियो और लंबा हो जाएगा। एमपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए क्या प्लान आप लेकर के आ रहे हैं उसके बारे में भी आप बता दीजिए। रोजगार को लेकर के क्या प्लान है या फिर एक ही प्लान है कि कोरोना चल रहा है ऐसे समय में कुछ किया नहीं जा सकता, क्या यही प्लान है आपके पास, सब समस्याओं का एक ही समाधान कोरोना? आंदोलन मत कीजिए, रोजगार की बात मत कीजिए, कुछ मांगिए मत, महंगाई झेलिए, जनता को राहत नहीं जनता को आहत देने का कार्य कर रही है आप और आपकी पार्टी। इसके बारे में आपको मीटिंग करनी चाहिए, बड़ी बड़ी समीक्षा मीटिंग होती है, उनमें क्या होता है पता नहीं, चाय बिस्किट खा के चले जाते हैं या फिर कुछ निकल करके भी आता है, शायद ये निकल करके आता होगा कि कल मीटिंग में क्या किया था, अच्छा इससे फायदा नहीं मिला, चलिए ये कर लीजिए आज, लेकिन किसी भी प्रकार का रिजल्ट जो है जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।